वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिक ऑन रियलिटी। आई एम योर होस्ट जॉली यादव और मेरे साथ हैं भरत जी। दोस्तों, आज जिस लोकेशन पर मैं आई हूँ उसका आप पार्क एरिया देखिए, कितना खूबसूरत पार्क एरिया है। पहले से ही आपको डेवलप करके दिया जा रहा है। इनफैक्ट सिर्फ पार्क ही नहीं, यहाँ पर जितनी अमेनिटीज़ और भी आपको मिल रही हैं, जैसे कि क्लब हाउस, आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज, इनडोर गेम्स, ये सारी चीज़ें भी आपको पहले से ही ऑपरेशनल स्टेज में मिल रही हैं। सोसाइटी जिसमें मैं आज आपके लिए आपको लेकर आई हूँ उसका नाम है ईडन गार्डन। इसकी लोकेशन रहेगी सेक्टर 26 रेवाड़ी। बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है, लोग यहाँ पर पहले से ही मूव इन कर चुके हैं। और अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बताती हूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का ना फ्लैट का टूर कराती हूँ। तो जॉली जी, इतनी ब्यूटीफुल सोसाइटी होने के बाद हम लोग अपने यूजर्स को सोसाइटी का टूर कराना चाहिए, हम लोगों को वो जरूरी है। सॉरी, तो चलिए आपको मैं फ्लैट का टूर तो थोड़ी देर बाद कराऊंगी, सबसे पहले मैं आपको ये खूबसूरत सी सोसाइटी दिखाती हूँ। ये देखो जॉली जी, कितना सुंदर पार्क है ये, देखिए किड्स प्ले एरिया। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा सा व्यूअर्स को बता देते हैं। तो दोस्तों, ईडन गार्डन जो सोसाइटी है आपकी, ये बेसिकली 7 एकड़ के एरिया में बनी हुई है एंड यहाँ पर 7 टावर हैं और यहाँ पर आपको सारे टाइप के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। 2 BHKs में आपके पास ऑप्शंस हैं, 3-4 BHKs में ऑप्शंस हैं, साथ ही साथ यहाँ पे पेंट हाउसेस भी है। पार्किंग आपकी स्टिल्ट की रहेगी, इनफैक्ट पूरे प्रोजेक्ट में भी कॉन्सेप्ट स्टिल्ट का रहेगा। S+ आपके 14 फ्लोर की ये टावर हाइट रहेगी, जिसमें कि आपके 13 एंड 14 फ्लोर को मिलाकर यहाँ पे पेंट हाउसेस बनाए गए हैं। साइजेस इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिल रहे हैं, चाहे वो 2 BHK हो, 3 हो या 4 हो, सभी काफ़ी बड़े बड़े मैसिव आपको यहाँ पर अपार्टमेंट मिल जाते हैं। और अमेनिटीज़ की हम बात कर लें, देखिए पीछे, ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये क्लब हाउस है। कितना ग्रैंड यहाँ पर क्लब हाउस मिल जाता है। सोचिए, क्लब हाउस इतना ग्रैंड है तो इसके अंदर अमेनिटीज़ आपको पूरी सारी मिल जाएंगी। बहुत सारी आपकी अमेनिटीज़ हैं, आपके बच्चों का यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम पास होगा, आपका बहुत अच्छा टाइम पास होगा। कितना बड़ा आपको यहाँ पर पार्क एरिया मिल जाता है, जॉगिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, वॉकिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। सो ओवरऑल रहने के लिए ये काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, काफ़ी आपको हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाता है, बच्चों को बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है। और उसके अलावा जैसे डेली नीड्स की हम बात कर लें तो डेली नीड्स का भी सामान आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल जाता है। काफ़ी सारी यहाँ पे शॉप्स भी हैं जिनमें कि आपके रिक्वायरमेंट का आपको सारा सामान मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब मैंने आपको सोसाइटी के बारे में सब कुछ बता दिया है, आप ये सोसाइटी देख भी चुके हैं। अब चलिए मैं आपको फाइनली हमारे अपार्टमेंट में This is a 3+1 BHK ultra luxury apartment in the size of 1960 square feet. It's a fully loaded apartment with the interior work and I promise you will be super impressed with the interior. So जैसे ही आप अपार्टमेंट के अंदर आओगे, यहाँ पर आपको फॉयर एरिया मिल जाता है एंड फॉयर एरिया के आगे ही आ जाता है आपका लिविंग स्पेस। So this entire space is your living area. This is the sofa that you will be getting with this apartment. आपको सारा यहाँ पे movable item, सारा furniture आपको complete same as it is आपको दिया जाएगा and interior is just superb. आप ऊपर का यहाँ पे फॉल सीलिंग चेक कीजिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही beautiful यहाँ पर फॉल सीलिंग यूज़ की गई है. सीलिंग लाइट्स के साथ आप मिल रहा है, प्लस यहाँ पर आपको शैंडलर भी इंक्लूड करके दिया जाएगा. एंड लिविंग एरिया में हम देखें तो यहाँ पर बालकनी का एक्सेस भी आपको मिल जाता है. सो दिस इज़ दी अटैच्ड बालकनी विद योर लिविंग एरिया. काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको लेंथ एंड विथ में आपको ये बालकनी मिल जाती है. यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं. साथ ही साथ ये अपार्टमेंट जो है ये आपका पार्क फेसिंग रहेगा, पार्क का आपको यहाँ से व्यू मिलेगा. इस वॉल पर हम देखें तो ये इस पूरी वॉल पर रहेगा आपका एलईडी पैनल, जिसमें आपको ये एलईडी पैनल पूरा वुडन वर्क के साथ कंप्लीट करके दिया जाएगा सेम एज इट इज़ विद दिस एलईडी टीवी. एंड दैट वाज द लिविंग स्पेस गाइस. यहाँ पर सामने आपका आ जाएगा डाइनिंग स्पेस. तो ये पूरा वहाँ से यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट आपका डाइनिंग स्पेस मिल जाता है आपको. काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस अपार्टमेंट है. 1960 स्क्वायर फीट का ये साइज़ रहेगा एंड डाइनिंग के बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगी आपकी मॉडुलर किचन. गाइज मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 3+1 BHK अपार्टमेंट है, तो जो ओनर है यहाँ पर उन्होंने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है. इसको बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि जो किचन थी उसको और सर्वेंट रूम को उन्होंने कंबाइन कर दिया है एंड उन्होंने अपना किचन स्पेस बड़ा कर लिया है. तो ये जो आप किचन देख रहे हैं ये बेसिकली किचन प्लस सर्वेंट रूम को मिला के बनाया गया है. एंड आप यहाँ का इंटीरियर और फर्नीचर देखिए, काफ़ी प्यारे कैबिनेट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं. स्टोरेज का एरिया बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल जाता है. कैबिनेट्स को भी हम अंदर से देखते हैं तो देखिए आपको कितना अच्छा यहाँ पे अंदर से स्टोरेज का एरिया मिल रहा है. साथ ही साथ यहाँ पर रहेगा आपका चिमनी एंड हॉब, ये भी आपके इंक्लूडेड रहेंगे. दिस साइड इज़ दी वॉशिंग एरिया. यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े 2 सिंक मिल जाते हैं, वॉशिंग स्पेस मिल जाता है. उसके साथ साथ यहाँ पर रहेगा आपके रेफ्रिजरेटर का स्पेस. यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको और अप्लाइंसेस मिल जाते हैं, पैंट्री सेक्शन मिल जाता है. साथ ही साथ यहाँ पर देखिए क्रॉकरी के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पेस डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने क्रॉकरी आइटम्स काफ़ी अच्छे तरीके से सजाए हुए हैं. सो ये पूरा स्पेस आपको काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन इसका इंटीरियर करके आपको फिनिश्ड कंडीशन में मिल रहा है. साथ ही साथ इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर यूटिलिटी एरिया का भी एक्सेस मिल रहा है. सो गाइज दिस इज द यूटिलिटी एरिया जिसे कि ओनर ने एज अ वॉशिंग एरिया यूज़ किया हुआ है. यहाँ पर उन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह सेटअप की हुई है. प्लस आपके जो किचन है उसके सामने ही यहाँ पर पूजा का स्पेस भी डिज़ाइन हो रखा है. तो ये आपका पूरा मंदिर आपको डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा एज इट इज़. गाइज डाइनिंग एरिया का आप फॉल सीलिंग भी चेक कर सकते हैं. फॉल सीलिंग आपकी सेम एज इट इज़ रहेगी. काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर फॉल सीलिंग यूज़ की गई है, डिज़ाइन की हुई है. सीलिंग लाइट्स के साथ आपको ये मिलेगी. प्लस आप यहाँ की फ्लोरिंग भी चेक कर सकते हैं. इटालियन मार्बल की आपकी फ्लोरिंग रहेगी थ्रू आउट दी अपार्टमेंट. यहाँ पे जितनी भी फिटिंग्स यूज़ की गई हैं सारी ब्रांडेड रहेंगी. एंड गाइस हियर वी आर इनसाइड आवर बेडरूम नंबर 1. इसका आप साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको स्पेशियस साइज़ में यहाँ पर बेडरूम्स मिल रहे हैं. सारे ही इनफैक्ट यहाँ के जो स्पेसेस हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड एंड लार्ज हैं. यहाँ पर आपका ये बेड रहेगा जो कि इंक्लूडेड रहेगा, नेक्स्ट टू विच इज़ दी ड्रेसिंग एरिया. यहाँ पर आप देखें ये आपका मिरर पूरा आपको इंक्लूडेड मिलेगा. साथ ही नीचे आपका स्टोरेज एरिया मिल जाता है. एंड यहाँ आप पीछे की वॉल पे देखिए तो यहाँ पर आपको क्विल्टिंग वर्क मिल रहा है. काफ़ी सुंदर यहाँ पे क्विल्टिंग वर्क है जो कि इंक्लूडेड रहेगा. पूरा इंटीरियर आपका सेम एज इट इज़ रहेगा. इंटीरियर आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है. प्लस आपको इस बेडरूम में भी बालकनी का एक्सेस मिल जाता है. सो गाइस स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपका बालकनी का एक्सेस रहेगा. एंड बालकनी एरियाज़ की भी हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रैंड यहाँ पे बालकनीज़ मिल जाती हैं. सामने आपका पार्क का व्यू रहेगा. प्लस यहाँ पर आप रेलिंग भी देखें तो काफ़ी अच्छी हाइट की आपको रेलिंग मिल रही है. इनफैक्ट पूरी इन्होंने बालकनी भी अपनी कवर कराई हुई है नेट से, तो सेफ्टी भी प्रॉपरली आपकी मेंटेन्ड है. एंड गाइस उसके साथ साथ इसमें आपकी एक अटैच्ड वॉशरूम भी है. वॉशरूम आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल रही है. सारी सैनिटरी फिटिंग्स आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो रखी हैं. ये आपका वैनिटी एरिया रहेगा मिरर के साथ. गीज़र आपको मिल रहा है. सो ऑल एंड ऑल आपके पूरा वॉशरूम कंप्लीट रहेगा. ऑल्सो बेडरूम में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर वार्डरोब भी मिल जाती है. स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपकी ये वार्डरोब रहेगी जिसमें स्टोरेज का एरिया इज़ टू गुड. एंड इसी बेडरूम के बिल्कुल ही एडजॉइनिंग रहेगा हमारा बेडरूम नंबर 2. सो इसमें भी आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड आपको यहाँ पर बालकनी एरिया मिल जाता है। उसके साथ साथ इसका आप इंटीरियर भी चेक कर सकते हैं, इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। या आप बेड देखिए तो बेड आपका सेम एज इट इज़ रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको स्लाइडिंग डोर्स के साथ वार्डरोब मिल जाती है, जिसमें काफ़ी अच्छा वार्डरोब स्पेस है। फॉल सीलिंग आप चेक कर सकते हैं, सीलिंग लाइट के साथ फॉल सीलिंग रहेगी, साथ ही साथ आपका सीलिंग फ़ैन भी इंक्लूडेड रहेगा। पूरी टोटल आपको इस अपार्टमेंट में 4 एसीज भी फिटेड मिल रही हैं। एंड यहाँ पर आप देखें तो ये रहेगा आपका एलईडी पैनल, जो कि कंप्लीट आपको मिलेगा। सारा वुडन वर्क आपको यहाँ पर मिल रहा है एलईडी, साथ ही साथ ये टीवी भी इंक्लूडेड रहेगी। उसके साथ आपको इस बेडरूम में भी एक अटैच्ड वॉशरूम मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइज़ में है। शार एरिया आपका वो रहेगा, ये आपका वैनिटी एरिया है जो कि आपके मिरर के साथ आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर गीज़र है एंड सारी सैनिटरी फिटिंग्स आपकी कंप्लीट रहेंगी। ऑल्सो आप देखिए तो यहाँ पर एक विंडो भी है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। सो गाइज, 2 बेडरूम आपके इस कॉर्नर पर थे, 3rd बेडरूम रहेगा आपका इस कॉर्नर पर। सो दिस इज़ द 3rd एंड लास्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। ये किड्स रूम है एंड एज अ किड्स रूम इसको डिज़ाइन कराया गया है। तो अगर आपके भी बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को ये वाला रूम दे सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ का भी इंटीरियर चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा एंड इंटरेस्टिंग इंटीरियर है। यहाँ पर आपकी रहेगी वार्डरोब, तो आपके बच्चों की वार्डरोब ये हो जाएगी। साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर इस बेडरूम का ये है कि यहाँ पर आपको ना फोल्डिंग बेड मिल जाता है। ये जो बेड है ये आपका फोल्ड हो जाता है। साथ ही साथ दोनों तरफ आपको यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए भी एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। एंड इस वॉल पे रहेगा आपका अटैच्ड वॉशरूम का एक्सेस, जो कि आप कॉमन वॉशरूम है, जिसे कि आप लिविंग एरिया एंड इस बेडरूम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज, दैट वाज द टूर ऑफ दिस ब्यूटीफुल 3+1 BHK अपार्टमेंट। आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस सोसाइटी आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके बताएं। ये रेवाड़ी की टॉप 3 सोसाइटीज़ में से एक है एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी जेंट्री रहती है। आपको सारे तरीके के अपार्टमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, सारी कॉन्फिग्रेशंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। एंड यहाँ पर जो आपका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है एंड काफ़ी अच्छी डील आपको यहाँ पर मिल जाती है। इतना स्पेशियस अपार्टमेंट आपको सिर्फ 1.25 CR में मिल जाता है, वो भी सारे फर्नीचर के साथ, सारे मूवेबल आइटम्स के साथ। तो यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कराना है, सिर्फ आपको आना है, अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर आना है एंड शिफ्ट हो जाना है। प्राइम लोकेशन पर है, काफ़ी अच्छी डील मिल रही है, सारी अमेनिटीज़ आपकी यहाँ पर ऑपरेशनल है, पॉश एरिया है एंड पॉश सोसाइटी है। सो गाइज़, अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, आप इसे विजिट करना चाहते हैं या इसे खरीदना चाहते हैं, तो जल्दी से हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल क्लिक ऑन रियलिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टीज़ आप सभी के लिए लेकर आते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक प्रॉपर्टी ओनर है एंड आपके पास खुद अपनी कोई एक प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या फिर कोई लैंड है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट हाउस है जिसकी आप एक प्रोफेशनल वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी कांटेक्ट डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड दैट वाज ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक ऑन रियलिटी फॉर मोर सच वीडियोज एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।